हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे आर्टिकल की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ILO के बारे में जो फैक्ट है वो देखते हैं। देखो, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में बनाया गया था, ताकि जो लेबर जो मजदूर हैं इनको रेगुलेट किया जा सके। इनके लिए मिनिमम वेजेज का प्रावधान किया गया था इसमें, जो चाइल्ड लेबर है इन सबको कंट्रोल करने के इसमें अलग अलग कन्वेंशंस वगैरह शामिल हैं। तो आज हमारा जो यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस करेंगे वो है कि ILO की 8 कन्वेंशन है टोटल। उस 8 कन्वेंशन में से इंडिया ने 4 तो पहले साइन कर रखी थी और 2 अभी कुछ टाइम पहले साइन किए हैं और 2 अभी तक पेंडिंग है। तो UPSC एक तो जो 2 अभी रिसेंटली साइन की हुई है उनके बारे में पूछ सकती है, और 2 जो पेंडिंग है उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी है। बस एक बार हमें नज़र में उनको रखना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में चाइल्ड लेबर हो या फिर और भी तरह के लेबर रेगुलेशन, काफ़ी तरह के मतलब गवर्नमेंट प्रावधान भी कर रही है। तो जो इंडिया ने टोटल 6 साइन कर रखे हैं उनमें सबसे पहली तो यहाँ पे मिनिमम एज कन्वेंशन 130 है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम एज कन्वेंशन 138 है। ये एक्चुअली देश में जो चाइल्ड लेबर है इसको लेके भाई मिनिमम एज का प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए उस कंट्री को रूल रेगुलेशन है वो बनाने होंगे, तो उसको लेके ये एक्ट है वो प्रावधान करता है। और ये इंडिया ने भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले साइन की थी। इसी के साथ इंडिया ने भी रिसेंटली एक और साइन की थी जिसका नाम था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182। मतलब इंडिया ने 138 और 182 को रिसेंटली साइन किया है, और 4 इंडिया ने पहले साइन कर रखी थी, जिसमें एक तो थी फोर्स लेबर कन्वेंशन 29, एक थी एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 105, और एक थी इक्वल रेमुनरेशन कन्वेंशन 100, और एक थी जिसमें से डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। तो कुल मिला के इंडिया ने टोटल ये 6 हो गई है। देखो, ये 1, ये यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल 6 तो इंडिया ने साइन कर रखी हैं, और 2 अभी पेंडिंग है। कौन कौन से हैं वो भी हम एक बार देखते हैं। दो पेंडिंग, एक तो यह है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज कन्वेंशन। मतलब कि जो लेबर वगैरह हैं वो अपने एसोसिएशन वगैरह हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर जरूर रेगुलेशन को बनाना, एक तो ये इंडिया ने साइन नहीं किया, और यह है नंबर 87 और एक है 98 वाली जिसका नाम है राइट्स टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 98। तो ये आपको ध्यान रखना कि इंडिया ने 2 साइन नहीं की हैं और रिसेंटली जो साइन करके हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, और जो कि 1919 में बना था। तो ये कुछ इसके फैक्ट हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। अब देखो, आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है वेमनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। क्वेश्चन ये है कि जो वेमनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको बतानी है कि कौन कौन से मेमल कहाँ पे। पहला स्टेटमेंट इसके सामने आपको दिया गया है कि है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसका पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसके बाद वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो टाइगर एशियन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो वेमनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देखो, आप इस तरीके से देख सकते हो, ओनली ए, ओनली बी, ए बी दोनों और नन। तो देखो, हम बात करें वेमनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वेमनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए क्या कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है, मतलब एशियन पॉपुलेशन की बात कर रहा है एलिफेंट की, वो यहाँ पे है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फास्ट टैग्स को लेके, कि क्या है फास्ट टैग वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट यह है कि अभी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, उसने जो इंडिया की मेन मेन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, जैसे कि BPCL हुआ, HPCL हुआ, IOCL हुआ, इनके साथ फास्टैग को सेल करने की एक मतलब एग्रीमेंट है, MOU है, वो साइन किया है। देखो, आपको पता है कि इंडिया में जगह जगह पेट्रोल पंप है, और वो पेट्रोल पंप है वो या तो BPCL के हैं या फिर HP के हैं या फिर IOCL के हैं या फिर रिलायंस, इस तरह की अलग अलग कंपनीज के हैं। तो जो मेनली इंडिया की 4 मेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनमें है यहाँ पे BPCL, HPCL, IOCL, इन कंपनीज की यहाँ पे बात की गई है मेनली। तो देखो, ये कंपनी के नाम रटने की जरूरत नहीं है, कंटेक्स्ट बस यही है कि इंडिया के जो मेन मेन कंपनी है इनके पेट्रोल पंप पे फास्टैग को सेल किया जाएगा। ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अब हम फास्टैग के बारे में जानते हैं, फास्टैग है क्या। तो देखो, इससे हम इस फोटो से समझते हैं। देखो, जो टोल बूथ होते हैं वहाँ पे पहले क्या सिस्टम होता था जो अभी रिसेंटली चल रहा है,
कि जब भी हम टोल पुल जाते थे तो वहाँ पे ड्राइवर को जो स्लिप है वो लेनी होती थी और पेमेंट करना होता था कैश वगैरह कार्ड या पेटीएम, ये मेथड होता था। तो फास्टैग में क्या होगा कि एक चिप है वो गाड़ी के आगे जो स्क्रीन होती है ना, जो आगे वाला हिस्सा मिरर होता है बड़े वाला, इस मिरर पे एक चिप है वो लगी रहेगी और ऊपर है जो फास्टैग लगा है वहाँ रिसीवर है वो लगा रहेगा। तो जो ही गाड़ी इस यहाँ से गुजरेगी ना तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली जो ये चिप लगी हुई है गाड़ी की सेंसर यहाँ पे, ये यहाँ का रिसीवर से कनेक्ट होगा और डायरेक्टली अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, मतलब डेबिट है वो हो जाएंगी। होगा क्या कि इस चिप के अंदर एक जो बैंक का अकाउंट है उसकी डिटेल सेव रहेंगी और उसके लिए फास्टैग है ये जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ सिंपल सी प्रोसीजर हमने देखी। सिंपल सी बात है, मतलब एक तो इसमें क्या होगा, रिसीवर होगा जिसे रीडर बोलते हैं, ये गाड़ी जो ही यहाँ से गुजरेगी तो उसके फास्टैग से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैच करेगा और फिर उसके आधार पे जो भी अकाउंट इसमें डिटेल सेव है उससे पैसा डिडक्ट हो जाएगा और डायरेक्टली अकाउंट में चला जाएगा। तो इससे देखो बेनिफिट एक तो ये होगा कि यहाँ से जो भी गाड़ी गुजरेगी उसको यहाँ पे तो वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं पहले तो रुकना होता था फिर गाड़ी के नंबर देख के स्लिप लेके ऐसे टाइम लगता था, तो एक तो टाइम बचेगा और इसके साथ ट्रांजेक्शन भी डिजिटल हो जाएंगे, कैश कैरी करने की जरूरत है वो नहीं होगी। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो फास्टैग जो सिस्टम है ना ये एक्चुअली RFID बेस्ड है। UPSC ये पूछ सकते हैं कि इसमें रेडियो वेव्स हैं उनका यूज़ होता है या रेडियो टेक्नोलॉजी वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो होता है, जिसमें होता क्या है कि जो चिप लगी हुई होती है ना गाड़ी के मिरर के ऊपर ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट करती है और उसमें इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो वो जो भी यहाँ पे रिसीवर लगा होता है ऊपर ये एक्चुअली उसको कैच कर लेता है और फिर उससे अकाउंट से पैसा डिडक्ट है वो हो जाता है। तो अभी जो ये गाड़ी के ऊपर जो चिप लगी रहती है जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है ये जगह जगह पेट्रोल पंप पे बेचा जाएगा, इसको लेके अभी MOU साइन किया है। तो फास्टैग है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो भी नेशनल हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट हैं, वो किए जाते हैं। काम क्या है इसका, ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल चार्जेस, मतलब जो टोल का पैसा है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, वहाँ पे वेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना ही केस का झंझट होगा। और जो अकाउंट में जो पैसे हैं जो हमारा मैंने किसी भी बैंक का अकाउंट है उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें पैसे रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट है वो हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही है कि फास्टैग सिस्टम है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे काम है वो करता है, तो UPSC इसके बारे में पूछ सकती है जो कि एक वायरलेस सिस्टम है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में, यानी NPO के बारे में, NPOP। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है उसने अभी एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है इसके मतलब उसको इनिशिएटिव है वो किया है, इसको चलाने की बात हो यहाँ पे आई है। अब देखो इसमें होगा क्या, सीधा सीधा हम वो देखते हैं। देखो हमारे देश के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इसी के साथ ही जो इसका एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए ये पॉलिसी काम करेगी, यानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन है उनका जो मार्केट है, चाहे स्टेट नेशनल लेवल की बात हो या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात हो। देखो अगर इंडिया में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट के लिए भी अगर पॉलिसी अच्छी होगी तो इंडिया को काफ़ी अच्छा बेनिफिट है वो मिलेगा, और इसी के लिए ये साइन मतलब ये प्रोडक्शन सिस्टम है वो यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया गया है। अब ये काम क्या करेगा, देखो ये काम कुछ इस तरीके का करेगा कि एक तो जो भी निर्धारित मापदंड है जो भी पैमाने हैं गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनको सर्टिफाइड करने का काम होगा, इसी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती है इसको प्रोत्साहन है उसको प्रमोट है वो किया जाएगा, और जो जहाँ भी ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्टिफिकेशन वगैरह दिए जाते हैं एक तरीके से जो भी एक्रेडिटेशन का काम होता है उनको मान्यता दिया जाएगा कि हाँ भाई आप जो जो इंस्टीट्यूट उनको मान्यता दी जाएगी कि भाई आप है वो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट है वो करिए और हम आपको सर्टिफाइड है वो कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो जैविक खेती है और जो उत्पाद हैं उनको प्रमाण के लिए जो कार्यक्रम है जिनका जो एक तरीके से रिवोल्यूशन होता है उनका जो सॉरी इवेल्यूशन होता है उसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अहम बात क्या किसी देखो बता दूं आपको कि हर कंट्री है वो आपको बता कि इंपोर्ट करती है तो उसके रूल अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के पैकेजिंग के रूल अलग होते हैं कुछ कंट्रीज़ के पैकेजिंग के रूल अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उनको बेचे जा सकें इसके लिए भी है इंडिया में प्रोग्राम है वो चलाएंगी, तो ये ध्यान में रखने हैं। अब हम अहम बात करें कि भाई इसको इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एपेडा के बारे में, एपेडा से यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो कि NPOP को इम्प्लीमेंट है वो करेगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। देखो ये जो एक्ट है ये एक एक्ट बनाया गया था इसके लिए गवर्नमेंट ने जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस्ड सॉरी प्रोसेस्ड एंड
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985, यानी इस एक्ट के तहत एपेडा का निर्माण है वो किया गया था। और इससे पहले जो बॉडी थी इसका नाम था यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो देखो नाम तो जरूरत नहीं है हमें कि पुरानी का इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, किसको ये रिप्लेस इसने किया है, बट ये ध्यान रखना कि एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट में एक्ट था 1985 में उसके तहत बनाया गया था। अपेडा का काम क्या है? अपेडा का काम ये है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसको लेके पॉलिसी बनाना और जो भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं इनको रेगुलेट करना, इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह हैं वो काम अपेडा के द्वारा किया जाता है ताकि प्रमोट वगैरह किया जा सके और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए या इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो। इसके साथ ही अपेडा है वो एक्सपोर्ट्स होते हैं जो भी निर्यात करते हैं उनको असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करती है, मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ताकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जैसे कि वे उनकी सेल्फ बढ़ाई जा सके और वो आराम से जो निर्धारित टाइम लिमिट है वहाँ तक पहुँच सकें, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं फॉरेन कंट्रीज की उसके मुताबिक पैकिंग हो सके, वो सारे काम अपेडा के द्वारा किए जाते हैं। तो ये कंप्लीट आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 के तहत बनाई गई थी, इसने अभी इंडिया के सारे एयरपोर्ट, इंडिया में लगभग 129 एयरपोर्ट हैं वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको भी बैन कर दिया, मतलब वहाँ पे हम प्लास्टिक के आइटम्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते ना ही वहाँ पे हम डस्टबिन में भी इनको डाल पाएंगे। जैसे कि हम बात करें सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट वो प्लास्टिक जिनको हम एक ही बार यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह में जो स्ट्रॉ यूज़ की जाती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, या फिर प्लास्टिक यहाँ पे कटलेटरी होगी प्लास्टिक जो प्लेट होगी डिस्पोजल वगैरह ये यहाँ पे अब यूज़ है वो नहीं की जाएंगे। तो यह ध्यान रखना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव है वो लिया गया है, मतलब जो प्लास्टिक एक ही बार यूज होता है उसकी जैसे कि यूज एंड थ्रो वाले जो प्रोडक्ट हो गए प्लास्टिक के उनको अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेचुरी बॉडी है और इसका काम क्या है, इसका काम यह कि हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट का या सिविल एविएशन सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अपग्रेड करना, इसको क्रिएट करना, इसका मेंटेनेंस करना, इसको मैनेज करना, ये सारे काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। और बात करें इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ भी इंडिया कोलैबोरेट है वो करती है ताकि जो गाइडेंस हैं जो अदर कंट्रीज के रूल रेगुलेशन हैं उनको भी फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विसेज के लेके। देखो कंटेक्स्ट यह है कि कार्मिक लोक शिकायत एंड जो पेंशन मिनिस्ट्री है ना उसने अभी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना कि भारतीय वन सेवा इसका नाम बदलकर भारतीय वन और जनजातीय सेवा रखने की बात है उसको लेके अभी एक मतलब से प्रपोजल रखा है। अब ऐसा क्यों किया गया है और किसके सुझाव पे किया गया वो हम देखते हैं। देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है यानी कि NCST है, इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट के आधार पे कहा है कि भई आप IFS से इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विसेज रखिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट और ट्राइबल है उनके बीच में काफ़ी बड़ा लिंक होता है, क्योंकि जो ट्राइबल होते हैं जो ट्राइबल एरिया है ट्राइबल जो पर्सन हैं वो मैक्सिमली फॉरेस्ट में ही रहते हैं और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो उनसे काफ़ी कनेक्ट होता है, इसीलिए सर्विस का नाम है वो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विसेज रखने की बात की गई है। तो छोटी सी न्यूज़ थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है टेस मिशन के बारे में, TESS यानी कि ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है। देखो ट्रांसिस्टिंग जो एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट है ये एक्चुअली USA का एक सैटेलाइट है और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके बाहर जो अर्थ जो ग्रह हैं सॉरी जो प्लेनेट हैं उनको डिस्कवर किया जा सके। तो इसने अभी रिसेंटली एक नया प्लेनेट एक ग्रह को डिस्कवर किया है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो यह हमसे लगभग 53 लाइट ईयर अवे है, मतलब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर देखो एक डिस्टेंस का माप करता है, यह आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि वन लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक प्रकाश की जो किरण है वो एक साल में कितना ट्रेवल करती है वो होती है वन लाइट ईयर। तो ये 53 लाइट ईयर की बात यहाँ पे की गई है, तो जो कि डिस्टेंस को मेजर करती है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। तो जो ड्वार्फ स्टार है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है HD 21749B। तो छोटी सी न्यूज़ है बस एक बार ध्यान में रख लेना। और टेस्ट मिशन है वो USA का, इसका काम क्या है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके में जो और ग्रह हैं या सोलर सिस्टम के बाहर जो ग्रह हैं उनको स्टडी की जा सके और उनके बारे में न्यूज़ पता लगाई जा सके। तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर प्रमोट एट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए MSME सेक्टर में। तो कुछ यहाँ पे चार इनिशिएटिव हैं तो मैंने उनको यहाँ पे एक जगह कंपाइल किया है। वैसे न्यूज़ तो लास्ट ईयर की ही है बट मैंने इसको कंपाइल इसलिए किया ताकि सारी न्यूज़ हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए रिविजन के थ्रू। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए UPSC पूछ सकती है, चार ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन सा
सही है। पहला है उद्योग आधार मेमोरेंडम। उद्योग आधार मेमोरेंडम में वो एक वन पेज रजिस्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं उसके बारे में रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। इसके साथ ही है एमएसएमई समाधान पोर्टल। एमएसएमई समाधान पोर्टल है वो एक्चुअली जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं इनको प्रमोट करने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए चलाया गया था। तीसरा है एमएसएमई संबंध। एमएसएमई संबंध जो पोर्टल है वो हमारे देश में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, मतलब जो पब्लिक के द्वारा खरीदारी होती है एमएसएमई सेक्टर और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं उनको एक्चुअली ट्रैक करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए चलाया गया, मतलब संबंध स्थापित करने के लिए, ऐसे याद कर सकते हो। चौथा है एमएसएमई संपर्क पोर्टल। एमएसएमई संपर्क पोर्टल नाम से पता चल रहा है कि आपस में जो एमएसएमईज हैं उनमें लिंक करने के लिए, उनमें संपर्क, उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो ये यहाँ पे चारों हमें इनिशिएटिव ध्यान रखना है जो कि डिजिटल इनिशिएटिव हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ये एक छोटा सा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट को लेके। देखो ये वर्ड काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी इसको लेके पूछ सकती है। तो फ्रिंज बेनिफिट होता है क्या वो हम जानते हैं। बहुत सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो कि ए पर्सन है वो एचडीएफसी कंपनी में काम है वो कर रहा है। अब देखो एचडीएफसी कंपनी में अगर वो काम करेगा तो इसको सैलरी के अलावा कुछ अलाउंस भत्ते वगैरह मिलेंगे या फिर और भी कई तरीके की सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। तो जो अदर सर्विसेज होगी जैसे इसको गाड़ी दे रखी है या फिर एग्जाम्पल ले लो कि जैसे इसको इंश्योरेंस वगैरह दे दी या फिर हम और भी तरह की बात, इसको घर वगैरह दे रखा हो, तो वो सर्विसेज आ जाएंगी यहाँ पे, जो बेनिफिट हैं वो आ जाएंगी फ्रिंज बेनिफिट में। मतलब जो उसकी सैलरी और वेतन भत्तों के अलावा जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं कंपनी की तरफ से वो होती हैं फ्रिंज बेनिफिट या फ्रिंज सर्विसेज के तौर पे हम इसको यूज है वो कर सकते हैं। अब देखो ऐसा होता क्या है, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे एक तो या तो स्वास्थ्य बीमा दी जाए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर कोई समूह ग्रुप इंश्योरेंस हो या फिर कोई बच्चों की, बच्चों के लिए मतलब उनको पैसा वगैरह वो दिया जा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर जैसे बच्चों की ग्रोथ हो, बच्चों के मतलब लालन पालन के लिए उनको कुछ दिया जा रहा हो या फिर और तरह के कोई पैसे वगैरह उनको दिया जा रहा हो, कंपनी के द्वारा कोई वाहन व्हीकल दिया जा रहा हो, तो वो सब फ्रिंज बेनिफिट में काउंट है, वो हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। अब देखो इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाए इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो और भी अच्छे ढंग से कंपनी के लिए काम करेगा कि यार कंपनी मेरे को इतनी अच्छी सर्विस दे रही है तो मैं भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा काम करूं। तो मतलब एक अच्छे रिलेशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट है वो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि तो कुछ कंपनियां होती हैं ना वो अपने एम्प्लॉयों को जो शेयर होते हैं ना वो भी प्रोवाइड करवाती हैं जो कि काफ़ी सस्ते रेट में। क्यों? क्योंकि वो शेयर इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो एक्चुअली अगर वही खुद ही शेयर खरीदेगा कोई भी, आप ये देखें कि कोई भी पर्सन अपनी कंपनी का अगर शेयर खरीदा इसका मतलब वो अपनी कंपनी के साथ ईमानदारी से काम करेगा, उसका मोटो रहेगा कि यार मैं मेरी कंपनी को प्रमोट करूँ, मेरा शेयर डूबना नहीं चाहिए, तो मतलब कंपनी घाटे में नहीं हो। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं और कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है वो होती है। तो बेसिकली जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं इनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, बट कभी कभी गवर्नमेंट कई बार इनको टैक्स के दायरे में ले आती है। तो अभी तो हमारे देश में जो फ्रिंज बेनिफिट हैं वो टैक्स फ्री हैं। तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी जिसे हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। अब चलते चलते हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है वो है राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट प्रोग्राम के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, और दूसरा दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।